नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई है और उसके बारे में। और ये वैकेंसी सिर्फ वैकेंसी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा पहले 10 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी ड्राइवर के लिए, कार ड्राइवर के लिए, जिस पर अभी वृद्धि करते हुए इसमें 7 पद और बढ़ा दिए हैं। अब जो है 17 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बिलासपुर हाईकोर्ट ने ही निर्णय लिया था कि छत्तीसगढ़ में 58% का जो आरक्षण है वो असंवैधानिक है और 50% का जो आरक्षण है वही ठीक रहेगा, और इसी के आधार पर बिलासपुर हाईकोर्ट वैकेंसी ले रहा है। लेकिन अगर बिलासपुर हाईकोर्ट की बात करूँ तो 50% आरक्षण पर वैकेंसी लेता है, और वहीं पर अगर मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बात करूँ, यदि मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ, जो 50% आरक्षण को नहीं मान रही है, नहीं मान रही इन द सेंस की पिछले जो भी वैकेंसियां रुकी हुई हैं वो इसी कारण रुकी हुई हैं कि 58% से बढ़ा करके गवर्नमेंट को 76% अधिक आरक्षण चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का कहना है कि 50% अधिक पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दे सकता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये कैसे क्लियर हो रहा है। इस प्रकार से कुछ क्लियर हो रहा है कि कुल मिलाकर के आपके पास 17 पद है जहां पर भर्ती लेना है, और उसमें अनारक्षित को 9 पद दिए गए हैं। मतलब अगर 17% का आप आधा करोगे या 17 पदों का आप आधा करोगे तो आपको 8.5 जो कि यहाँ पे 9 ले लिया गया है, 9 पदों पर जनरल के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 3 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पे 3 पद हैं, और ओबीसी के लिए यहाँ पे 2 पद हैं, और अनारक्षित में 2 पद महिलाओं के भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि बिलासपुर हाईकोर्ट है वो 50% के आरक्षण के आधार पर वैकेंसी निकाल रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कब डिसीजन आ जाए तब वैकेंसी निकाली जाए, या राज्यपाल इस पर कब सिग्नेचर कर दे तो वैकेंसी निकाली जाए। और इसके चक्कर में जो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, वो लगातार परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि 50% आरक्षण पर वर्तमान के समय वैकेंसी निकाला जाए और बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है उसके आधार पर आगे की भर्तियां ली जाए। कम से कम एग्जाम होने चाहिए, नियुक्तियां मिलनी चाहिए, जो भी एग्जाम रुके हैं सभी को यहाँ पर क्लियर कराना चाहिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, और वीडियो के अंत में आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारे संस्थान पे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस दिए गए नंबर पर हमको अपना नाम और जिला व्हाट्सएप करेंगे। सभी क्लासेस लाइव होती हैं और डेली 3 क्लास आपको यहाँ पर अटेंड करने